हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेजर मैक्रेमे। आज का ट्यूटोरियल है सनफ्लावर और सनफ्लावर की कली या सनफ्लावर बड। तो उसके लिए मैंने लिया है येलो कलर का कॉटन का मैक्रेमे जो 3 mm मोटा है, और इसके लिए मैंने 20 inches या 50 cm लॉन्ग मैंने 6 pieces में कट किया है मैक्रेम को। एक पीस को हाफ फोल्ड करके पिन डाउन कर लिया है और बाकियों को मैं उस पर टाई कर रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। और टाई करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डबल हिच नॉट। आप देख रहे हैं ये वाला थ्रेड लेके सेम तरीके से मैं उस पर बाकी के सारे थ्रेड ट्राई करूँगी जैसे मैंने अदर साइड किया है। और इसको फिनिश होने के बाद इसको वैसे ही छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में दूसरे ऊपर से थ्रेड लेते हुए 4 लाइन सेम तरीके से और बनाएंगे। आप देख रहे हैं कि ये लास्ट लाइन है, क्योंकि 4 लाइन टोटल हो चुकी हैं इसको मिला करके। तो इसमें मैंने लास्ट वाला 2 knots एक 2 थ्रेड साथ में रैप कर लिए हैं सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी 3 लाइन और बना देंगे। और इस तरह से आपकी सनफ्लावर की पत्ती तैयार हो जाएगी। और हमने टोटल 6 पत्तियाँ इसी तरह से तैयार कर लेनी है, और फिर सनफ्लावर के बीच का पार्ट बनाना शुरू करेंगे। सनफ्लावर के बीच का पार्ट बनाने के लिए मैंने लिया है एक ब्राउन कलर का कॉटन मैक्रेमे, वो भी 3 mm मोटा है। इसके लिए एक मैंने पीस काटा है 3 मीटर का। बाकी के जो इस पर टाई कर रही हूँ वो पीसेज हैं 70 cm के, और कुछ इसमें से 10 pieces 70 cm के हैं और 5 pieces मैंने 50 cm के काटे हैं जो बाद में यूज़ करूँगी आगे लाइन में लगाते हो। अभी स्टार्टिंग में मैंने सारे 70 cm के यूज़ किए हैं। तो आप देख रहे हैं ऐसे टाई कर लेना है, और इसके बाद में जो हाफ फोल्ड किया था उसको उस लूप से बीच से निकाल रही हूँ मैं, जिससे ये एक फ्लावर शेप में आ जाएगा आपका पैटर्न। और यहाँ पे कोई भी बीच में होल नहीं रखना है, तो वो मैं उस पर एडजस्ट कर रही हूँ, आप देख रहे हैं। और इसके बाद में मैं इसको एक सर्कल की तरह बनाऊँगी, और जो 3 मीटर वाला हमारा कॉर्ड था वो यूज़ करूँगी चारों तरफ घुमाने के लिए, और बाकी के सारे कॉर्ड उस पर टाई होंगे जैसे कि आप देखेंगे आगे। और आप देख रहे हैं कि मैं डबल जो लंबा वाला कार्ड था 3 मीटर वाला, वो पूरा डबल में यूज़ कर रही हूँ उस पर टाई करने के लिए, जिससे थोड़ा मोटा शेप आएगा उसका, लाइंस का जो बीच में लाइंस बनी रहेंगे, जो सनफ्लावर की सीड्स की तरह दिखेगा, मिडिल पार्ट की तरह दिखेगा।
अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बीच में मिडिल में कुछ पार्ट बचा हुआ है, उस जगह बची हुई है सेप। अगर मैं दूसरा पहला वाला टाई करने लगूँगी तो बहुत ही खिंचा हुआ सा रहेगा, इसलिए यहाँ पे अभी मैं दो कॉर्ड टाई करूँगी। आप देखेंगे और उसके बाद में वापस पहली वाली टाई कर दूँ, ट्राई कर देंगे तो ये साथ में जुड़ जाएंगे। बताते जाना है जहाँ पे भी आपको दिखे कि वह काफ़ी गैप हो रहा है दो थ्रेड्स के बीच में, वहाँ पे आप नया थ्रेड लगा लें। उसके लिए मैंने 10 सेंटीमीटर, आपको जैसे बिगिनिंग में बताया था कि 10 70 सेंटीमीटर वाले थ्रेड पीसेस काटे थे थ्रेड के मैक्रम के, और 50 सेंटीमीटर के 5 पीसेस काटे थे, तो वो हम इसी तरह से यूज करेंगे आगे। और अगर आप गैप को फिल नहीं करेंगे नए थ्रेड्स को ऐड करके, तो ये जो गैप जो आप टाइटन कर करके बनाते रहेंगे तो ये कटोरी की जैसे शेप में आ जाएगा, ये फ्लैट नहीं रहेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें इसको थोड़ा सा बाद में फोल्ड करना है, अभी नहीं, तो बाद में थोड़ा सा टाइटन करेंगे थ्रेड्स को। इसी तरह से पहली लाइंस जो मैंने काउंट किया है, मैंने इस पे बनाई है 8 लाइंस, और जहाँ पे हम फिनिश करेंगे इसको तो उसके आगे वाले थ्रेड के साथ दोनों को टाई कर देंगे। ये देखो अब मैं कर रही हूँ टाई दोनों को, और यहाँ पे मैं फिनिश कर दूँगी। और इस ये लास्ट में मैंने थोड़ा टाइटन किया है, और उसके बाद में इसको उल्टा कर दिया है अदर साइड, ये थोड़ा सनफ्लावर के बीज की तरह दिख रहे हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ इस पर, मैं क्रोशिया वाला हुक यूज कर रही हूँ। इसमें जो पत्तियाँ हैं, पत्तियों के पहली लाइन से उनको, पत्तियों की जो बचे हुए कॉर्ड थे, जो बचा हुआ थ्रेड है पहली और लास्ट की, पहली और दूसरी लाइन के बीच में से निकाल रही हूँ, और उसके बाद में इनको नीचे जाके टाई कर देना है। जैसे ही आपके सारे थ्रेड नीचे चले जाएं, आप निकाल दें, वैसे ही आप नीचे जाके एक एक पत्ती को ऐड करते हुए आप इनके इनको नीचे टाई कर दें जो भी बचे हुए थ्रेड्स हैं, क्योंकि फिर अगर आप सारी पत्तियां ऐड कर देंगे तो इधर उधर हो सकता है कि आपको काफ़ी परेशानी हो टाई करने में नीचे। ऐसे आप पहले एक एक पत्ती को टाई करते जाएंगे तो ईजी जाएगा, मैंने यही किया है। को काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, नहीं काटना चाहते हैं तो नहीं काटिए। अब चाहे तो इसमें ग्लू भी लगा सकते हैं, फैब्रिक ग्लू जो कपड़े में कुछ चिपकाने के लिए आता है, और नहीं तो सेम तरीके से सारी पत्तियों को ऐसे ही ऐड कर लीजिए।
देख रहे हैं कि सारी पत्तियां मैंने इस पर ऐड कर दी हैं, और आप देखेंगे कि फ्लावर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप चाहें तो इन थ्रेड को नीचे ही रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। और इसका बॉटम पार्ट बनाने के लिए मैंने ग्रीन कलर का कॉटन मैक्रम लिया है, जो कि मैंने 7 मीटर लॉन्ग यूज़ किया है। तो इसमें मैं एक जगह से टाई करूँगी, और उसके बाद में मैं वही जैसे डबल हिच नॉट मैंने सारी फ्लावर के लिए और जैसे फ्लावर की पत्तियों के लिए और फ्लावर के मिडिल पार्ट के लिए जो डबल हिच नॉट यूज़ किए, वही वाले डबल हिच नॉट इसके लिए भी मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। एक जगह टाई करने के बाद बाकी ये ग्रीन वाला कॉर्ड सब पे टाई करती जाऊँगी डबल हिच नॉट के साथ। और जब टाई करने के बाद आप ऐसे ही इसमें डबल हिच नॉट बनाते जाइए बाकी सारी जो थ्रेड बचे हुए हैं ब्राउन वाले में। और इसके आई थिंक मैंने दो लाइन बनाई हैं। दो लाइन बनाने के बाद मैंने यूज़ किया है, क्या किया है कि हर दो थ्रेड के बाद या हर दो ब्राउन वाले कलर ब्राउन थ्रेड के बाद एक पीस छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे कि ये थोड़ा सिकुड़ना शुरू हो जाए, थोड़ा सा छोटा होता जाए। और ऐसे से करके हम नीचे जाते जाते हुए हर एक लाइन में दो के बाद एक थ्रेड छोड़ते चले जाएंगे, तो ये हमारा एकदम तरह से जब ये इतना छोटा रह जाएगा, तो आप इस पे या आप वायर देख रहे हैं साइड में रखा हुआ है, मैं ये यूज़ करने जा रही हूँ। इसको यहाँ पे अंदर से फंसा के आप लंबा लंबा ऐसे धागों के साथ में खींच लीजिए, और उसके बाद में ये ग्रीन वाला जो धागा है ऊपर से रैप कर दीजिए, जिससे ये बिल्कुल फूल के तने की तरह दिखेगा। ऐसे ही आप रैप करते रहेंगे, तो बेसिकली आप इतना लंबा रैप कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। मैंने आप देख रहे हैं इतना किया हुआ है कि इसमें थोड़ा पत्ती वत्ती भी लगा सकते हैं, तो ये पत्ती मैंने बना के रखी थी। ये मैं इसके लिए मैंने दूसरा थ्रेड चूज़ किया है, और आगे आप मैं दिखाने वाली हूँ कि इसका सनफ्लावर का कली कैसे बनेगी। मैंने एक दूसरा सनफ्लावर बनाया जिस पे मैंने दूसरे तरीके से इसका नीचे का पार्ट बनाया फ्लावर का, जो कि मैंने जिसमें मैंने यूज़ किया है रिवर्स हिच नॉट। रिवर्स हिच नॉट क्या है, जो डबल हिच नॉट होती है उसका उल्टा होता है बेसिकली। जैसे हमने मिडिल पार्ट बनाया था फ्लावर का, उसको हमने उल्टा कर दिया था, तो जिस तरह से दिख रहा था रिवर्स हिच नॉट वैसे ही दिखती है बिल्कुल। सनफ्लावर की कली बनाने के लिए मैंने सेम थ्रेड यूज़ किया है, येलो कलर का कॉटन मैक्रे में, वो भी 3 मिलीमीटर मोटा है। और इसके लिए मैंने 7 पीसेज में इसको काटा है मैक्रम को, 7 पीसेज में, जो कि 50 सेंटीमीटर लंबे हैं। उसके बाद में पहले में ही मैंने एक नॉट बनाई है, उसके बाद मैंने बाकी के थ्रेड यूज़ किए हैं, जिससे ये थोड़ा सा पॉइंटेड, थोड़ा पॉइंट जैसा इसकी पेटल दिखेंगी आपको जब बन जाएंगी। तो
इसके बाद में जैसे ही सारे तरह टाई हो जाएंगे इस पर, इसी तरह से जो हाफ फोल्ड वाला था उसमें सारे टाई करेंगे। और ये जैसे सनफ्लावर की पत्ती में किया था वैसा नहीं करेंगे, इसमें नीचे जाके इन दोनों जो नीचे दोनों थ्रेड हैं उनको एक दूसरे से टाई कर देंगे, और आगे की जो लाइंस बनाएंगे उनमें ये थ्रेड दोनों साइड से यूज़ करेंगे। अब ये टाई करने के बाद हम दोनों साइड लास्ट लाइन बनाएंगे, और लास्ट लाइन बनाने के लिए हम एक ये सारी थ्रेड जो है वो नीचे लाएंगे। और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो भी जिस भी थ्रेड से मैं नॉट बनाती जा रही हूँ उसको साथ में लेती जा रही हूँ और उसके ऊपर नॉट बना रही हूँ, जिससे कि वो कवर होता जाए और सारे थ्रेड नीचे आ जाएँ। इस तरह से हमारी एक पेटल तैयार हो गई है, एक पत्ती कली की। आप मैंने तीन पत्तियों की कली बनाई है, आप चाहें तो चार की भी बना सकते हैं। और उसके लिए मैंने ये तीन तीन सेंटीमीटर के ब्राउन थ्रेड लिए हैं, जिनको मैंने तार के साथ में बांध लिया है, और इनको मैं कॉम्ब्स यूज़ करके इनको पहले बराबर शेप में काट लो और उसको अनरेवल कर लो, जिससे कि वो थोड़ा अच्छा दिखे बीच वाला पार्ट। आपको मैंने सही मेजरमेंट्स बताए हैं, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने अपना स्क्रैप मैक्रम यूज़ किया है, तो जो मेजरमेंट्स मैंने बताए हैं वो आप अगर यूज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मेरी पेटल नीचे से खुल रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो मेजरमेंट्स बताए हैं उसमें से। उसके बाद में मैं इनको टाई करने के लिए 50 सेंटीमीटर की ये अलग से थ्रेड काटा हुआ है, जिसमें एक लूप बना लिया है,
और लूप को ऐसे फोर फ्लावर के साथ पकड़ लेना है। उसके बाद में आपको ऊपर का एंड ऐसे खुला छोड़ते हुए, नीचे का लूप भी खुला छोड़ते हुए, जब हम रैप करेंगे तो लूप थोड़ा खुला जैसे छोड़ेंगे, जिससे कि ये हम थ्रेड उसके अंदर डाल सकें और ऊपर वाला थ्रेड से खींच सकें, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये मैंने लूप फाइंड किया और इसके अंदर ये इसको डालेंगे और अब ऊपर वाले थ्रेड से ऐसे खींच लेंगे, जिससे कि दोनों टाई हो जाए और ये सिक्योर हो गया है। अब मैं बना रही हूँ नीचे जो कली के नीचे का वह पार्ट है, उसके लिए मैंने 30 इंच के या आपको 70 इंच के सारे थ्रेड काटे हुए हैं। कली की तरह ही इसमें भी मैंने नॉट्स लगाई हैं, बट इसमें दो नॉट्स लगाई हैं। इसके बाद में इसमें दो थ्रेड ऐड किए हैं, जो कि इसी की तरह 70 सेंटीमीटर के हैं। जब ये पत्ती ऐसे रेडी हो जाएगी तो आप, मैंने तीन और बनाई हैं इसी की तरह। उसके बाद में दो को ऐसे ऐड करके फिर आपस में क्लोज कर दिया है। आज आगे आप देखेंगे ट्यूटोरियल में।
या आगे आप अपने हिसाब से लंबा छोटा कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि आप का ऊपर वाली जो कली है वो कितने में फिट होगी या नहीं होगी, कितने कितने और डिज़ाइन में। उसके बाद में आप अपना डिज़ाइन बल ख़त्म भी कर सकते हैं, आप इससे छोटा भी बना सकते हैं, आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं। उसके बाद में कुछ भी नहीं करना है, सेम जैसे फ्लावर को, जैसे कली को रैप किया था वैसे ही इसमें भी लंबी सी लाइन वायर को या तार को ले करके वैसे ही आप सेम तरीके से मैक्रम से रैप करते जाइए और आपका कली तैयार हो जाएगा। उसके चारों तरफ सेट करने के बाद आप देख रहे हैं कि जो कली का वाया था वो मैंने नीचे इसके अंदर डाल के उसको ऐसे खींच लिया है, और अब बहुत ही इजी हो गया। इसको आप रैप करेंगे और ये सुंदर सा कली दिखने लगेगा, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल तैयार हुआ है। मुझे तो आइडिया भी नहीं था ये जब मैंने बनाया था कि ये इतना सुंदर लगेगा। आगे मैं आपको पत्ती जो बनाई थी बीच में, मैं आपको बता रही थी कि दूसरा थर्ड यूज़ किया है इसके लिए। देखिए मैंने 5 मिलीमीटर का ब्रेडेड मैक्रम इसके लिए मैंने यूज़ किया है, ये भी ग्रीन कलर, ये कलर मैच कर रहा था मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने इसकी एक पत्ती बना ली है। पत्ती के लिए सिंपली सेम ही तरीका है, आप देख रहे हैं कि मैंने इसके लिए मैंने इस पे 1.5 इंचज़ के जो सारे थ्रेड हैं वो सारे मैंने 1.5 इंचज़ के यूज़ किए हुए हैं, और सिंपल सेम तरीके से हम ऐसे ही अगर टाई करते जाएंगे तो पत्ती तैयार हो जाएगी बहुत ही ईजी तरीके से। ये पत्ती मैंने तैयार की है और आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल लग रही है। आप चाहें तो इसे छोटी या बड़ी अपने फ्लावर के साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा मैक्रम करके, जो मैंने मेजरमेंट्स दिए हैं उसके कम ज़्यादा करके आप जैसी मर्जी हो वैसे ही आप पत्ती तैयार कर सकते हैं। और ये सनफ्लावर का जो आगे मैं आपको देने वाली हूँ कि कैसा दिखने वाला है, ये इसका मैंने वॉल हैंगिंग बनाया था, बहुत ही ब्यूटीफुल तैयार हुआ है। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। नए ट्यूटोरियल के साथ मैं फिर मिलते हैं।